हेलो स्टूडेंट्स, ये है स्टैंडर्ड फर्स्ट का चैप्टर 1 मैथ मैजिक में। इससे पहले के वीडियो मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था कि स्टैंडर्ड फर्स्ट में आप लोगों का सिलेबस क्या है और आप लोगों का बुक किस टाइप का है या बुक का नाम क्या है और पूरा कितना चैप्टर है टोटल, वो सब बता दिया था। चैप्टर का एक एक नाम आप लोगों को बताया था और एक एक चैप्टर में क्या क्या डिटेल समझाया गया है वो सब कुछ आपको बताया था। अब आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इस चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 है आप लोगों का शेप्स एंड स्पेस। अभी ये आप लोगों को इसपे में छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह दिखाई दे। तो ये है आप लोगों का चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस। तो इसमें हमें पढ़ना है शेप्स और स्पेस के बारे में। शेप्स मीन्स क्या होता है? शेप्स मीन्स किसी भी टाइप का आकार, किसी भी टाइप का आकार जैसे कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब होता है शेप्स। और स्पेस का मतलब होता है कि जगह, उसके बीच में कितनी जगह है, वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए अब चैप्टर देखते हैं कि क्या है इसमें। अब यहाँ लिखा है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर, इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर के भाग में, और आउटसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के बाहर के भाग में। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ सीखना है कि यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड क्यों लिखा है, ये इसका टॉपिक है। तो अब हम ये जब पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि इनसाइड और आउटसाइड क्यों दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ड्राइंग दिया हुआ है इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे 3 टाइप के ड्राइंग यूज हुए हैं। एक तो ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का छपा हुआ है ये, दूसरा यहाँ पे एक कैमल का छपा हुआ है, और तीसरा यहाँ पे एक तंबू बना हुआ है। तो इन तीनों का पहले मैं डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइड में छपा हुआ है। ये पहला जो है ये है कैमल, पहला जो दिया है वो क्या है, कैमल। फिर सेकंड ये जो छपा हुआ है ग्रीन कलर में, ये है अरब, यानी कि अरब देश का व्यक्ति। अरब एक देश का नाम है और उस देश में जो लोग रहते हैं उसे अरब नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारा नाम इंडियन हो, हम इंडियन कहलाएंगे, ऐसे ये लोग अरब देश के लोग अरब कहलाते हैं। तो यहाँ पे अरब देश का एक व्यक्ति है। और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू कलर में, ये है टेंट। टेंट मीन्स होता है तंबू। तंबू का मतलब ये है कि कपड़े का या फिर लकड़ी का हम बनाते हैं रहने के लिए, यानी कि कहीं पे मान लो कि हम कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं और जब हमें कहीं पे रुकना होता है तो उस समय हमें एक छोटा सा घर जैसा बनाना होता है रहने के लिए। तो इस टाइप का कपड़े से बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक से या फिर लकड़ियों का यूज करके। तो इस तरह से एक तंबू बनाया जाता है। तंबू भी एक टाइप का घर ही है जिसे हम कुछ समय के लिए बनाते हैं रहने के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से समझाता हूँ। तो देखें यहाँ पर लिखा है द अरब। अरब मीन्स ये व्यक्ति, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है ये। द अरब एंड हिज कैमल, द अरब एंड हिज कैमल। तो अरब और उसका एक ऊंट है। यहाँ पर अरब देश का एक व्यक्ति है और उसका एक ऊंट है, ये कहीं पे घूमने निकलते हैं। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। तो जब वो लोग घूमने निकलते हैं तो उस समय का दिन कैसा था, विंटर सीजन चल रहा था। तो विंटर सीजन मतलब सर्दी का मौसम था और ठंडी भी लग रही थी उन लोगों को। तो लिखा है इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, इसका मतलब उस समय ठंडी का मौसम था और उन लोगों को ठंडी लग रही थी। द अरब, यहाँ पे अब लिखा नहीं है अरब लेकिन यहाँ पे छपा हुआ है, इसका मतलब ये है सेंटेंस। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। बैक मीन्स होता है पीठ। तो यहाँ पर जो अरब है वो ट्रैवल कर रहा था, यानी कि यात्रा कर रहा था ऑन द कैमल बैक, ऊँट के पीठ पर। किस पर? ऊँट के पीठ पर बैठकर। एक अरब नाम का व्यक्ति है, मतलब एक अरब देश का व्यक्ति है, वो अपने कैमल के साथ जा रहा था और उस समय ठंडी का मौसम था। फिर वो जो यात्रा कर रहा था वो किस पर बैठकर कर रहा था, ऊँट के पीठ पर। एट नाइट, रात के समय, द अरब पिस्ड हिज टेंट। रात के समय अब वो आराम करने के लिए यानी कि रुकने के लिए उसने एक तंबू बनाया। ये उसने एक ये ब्लू कलर का इस टाइप का तंबू बनाया, घर जैसा। एंड वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया। तंबू बनाने के बाद वो घर जैसा हो गया, अब उसके अंदर वो आराम करने के लिए चला गया। द केमल वाज आउटसाइड, और केमल जो है ऊंट वो बाहर ही रह गया। देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया था, टॉपिक का नाम इनसाइड आउटसाइड, यानी कि चैप्टर का नाम यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर में। तो जो इनसाइड का मतलब है वो है अंदर, इसका मतलब जो अरब है वो तो अंदर चला गया तंबू के, लेकिन जो केमल है वो तो रह गया आउटसाइड, इसका मतलब कि ऊंट जो है वो बाहर रह गया। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा समझाया है। अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो ऊंट है ये बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूँ। ये पूछ रहा है जो अरब नाम का व्यक्ति है अंदर उससे कि क्या मैं अपना गर्दन अंदर डाल सकता हूँ। तो ये क्यों पूछता है ऐसा, तो यहाँ लिखा है इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी है, बाहर के साइड में बहुत ठंडी है, इसीलिए पूछता है कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूँ। अब देखते हैं अरब क्या कहता है। तो ये कहता है ओके ठीक है, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम अपनी गर्दन अंदर के साइड में डाल सकते हो। तो इसने गर्दन अंदर डालने दिया ताकि उसे ठंडी कम लगे। अब देखते हैं आगे ऊंट क्या बोलता है। तो यहाँ पर ऊंट फिर से कहता है, ऊंट ने अपनी गर्दन अंदर डाल दी यहाँ तंबू के अंदर। अब ये फिर से कहता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, क्या मैं अपने आगे के दोनों पैर अंदर डाल सकता हूँ, क्या मैं अपने आगे के दो पैर अंदर डाल लूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी है, बाहर बहुत ठंडी है, तो क्या मैं अंदर डाल लूँ अपने पैर आगे के। तो अब देखते हैं अरब क्या कहता है। अरब कहता है ओके ठीक है, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, तुम अपने आगे के दोनों पैर अंदर के साइड में डाल सकते हो। तो इसने पहले तो इसका सिर डालने दिया अंदर, अब इसके पैर भी अंदर डालने दिए, तब ऊँट को और भी कम ठंडी लगेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। तो आगे अब ऊँट यहाँ पे दोनों अपने पैर डाल चुका है, अपना सिर भी अंदर डाल चुका है। अब देखते हैं ऊँट क्या बोलता है। अब अरब के पास तो बहुत कम जगह बची, क्योंकि तंबू तो छोटा था, इसके पास जगह कम बची, आधा जगह तो ऊँट ने ही ले लिया। देखते फिर से ऊँट ने क्या पूछा, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अब अंदर आएगा कैसे, अगर ये अंदर आ जाएगा तो अरब को बाहर जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर के साइड बहुत ठंडी है। ऊँट कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर के साइड बहुत ठंडी है। अब देखते हैं अरब क्या कहता है। ये कहता है ओ नो, अरे नहीं, द टेंट इज टू स्मॉल, टेंट तो जो है बहुत छोटा है, और बोथ ऑफ अस, यानी कि हम दोनों के लिए, अगर हम दोनों एक ही टेंट में रहेंगे तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि टेंट तो बहुत छोटा है, यानी कि इसने जो ये घर बनाया था कपड़े का ये तो बहुत छोटा है, इसमें एक ही जन रह सकते हैं। तो ये मना करता है, लेकिन फिर देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ऊँट अब अंदर दिख रहा है, यहाँ पे ऊँट ने क्या किया, सो आई एम कमिंग इन साइड, तो ऊँट कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, एंड यू गो आउटसाइड, और तुम बाहर जाओ, मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। तो ऊँट को इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि ऊँट चला आया अंदर, धीरे धीरे पहले सिर डाला, फिर पैर डाला, फिर पूरा का पूरा अंदर आ गया। अब ये बेचारा अरब जो है ये तो बाहर चला गया, क्योंकि अंदर तो बैठने की जगह ही नहीं है। अब ये अरब जो है ये ठंड के मारे यहाँ पे काँप रहा है। तो आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई। यहाँ पे यही चीज़ था कि जो अरब है वो पहले ऊँट के साथ आया, उसके बाद यहाँ पे ठंडी का मौसम था, ये लोग यात्रा कर रहे थे, जो अरब था वो ऊँट के पीठ पर बैठ के यात्रा कर रहा था। फिर रात का समय हुआ, अब रात के समय इन्होंने तंबू बनाया। अब तंबू बनाने के बाद एक बाहर रह गया, एक अंदर रह गया, क्योंकि तंबू छोटा था। फिर धीरे धीरे ऊँट को ठंडी लग रही थी तो वो अंदर जाना चाहता था, तो धीरे धीरे बहाने करके अंदर चला गया, और लास्ट में क्या हुआ, अरब बाहर रह गया, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, अब आपको बाहर सोना पड़ेगा, बाहर आराम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज जो दिया हुआ है यहाँ पर, बिगर एंड स्मॉलर। यह है बिगर और यह है स्मॉलर। बिगर मीन्स होता है बड़ा, बिगर मीन्स होता है बड़ा, और स्मॉलर मीन्स होता है छोटा। तो यहाँ पर दो लोग दिए हुए हैं, तो तो दोनों लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अब यहाँ लिखा हुआ है टिक द बिगर। टिक द बिगर मतलब यहाँ दोनों में से जो बड़ा है उस पर हमें टिक करना है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है हिप्पोपोटेमस और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, हिप्पोपोटेमस मीन्स दरियाई घोड़ा। तो यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा है वो हमें टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉग जो है वो बहुत छोटा है जबकि हिप्पोपोटेमस जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो हिप्पोपोटेमस है वही राइट आंसर है कि ये सबसे बड़ा है दोनों में से। तो इस पर हमें टिक करना है। तो चलिए टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे टिक कर दिया। यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इस पर मैं टिक कर दिया। सही का निशान आप लोगों को लगाना है इस टाइप से, ऐसे। अब चलिए देखते हैं सेकंड। तो इसके बाद है यहाँ पर टिक द स्मॉलर, यानी कि यहाँ पे दो पत्ती दिया हुआ है। एक यहाँ पे ये पत्ती है जो बड़ा सा है, केले का लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे तुलसी या फिर नीम का कोई पत्ता लग रहा है, छोटा सा है। तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो, और दूसरा यहाँ पे लिखा है टिक द स्मॉलर, इसमें से जो छोटा है वो। तो यहाँ पे जो छोटा है वो सही आंसर होगा। इसमें से जो छोटा है उस पर हमें टिक करना है, सही का निशान लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सही आंसर है आप लोगों का, ये है सबसे छोटा। अब यहाँ पर ये गाय है और यहाँ पे ये गिलहरी है, स्क्वेरल, ये काऊ। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा है उस पर हमें टिक करना है। तो यहाँ पे स्क्वेरल जो है ये आपको छोटा दिख रहा होगा, ये छोटा ही है। तो ये हमारा सही आंसर है। इस पर ऐसे सही का निशान लगा देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है टिक द स्मॉलर टायर। दोनों टायर में से यहाँ पे दो लड़के टायर चला रहे हैं। तो ये दोनों टायर में से जो छोटा वाला टायर है उस पर हमें टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला टायर है ये बहुत छोटा दिख रहा है और ये जो दूसरा टायर है ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला टायर है इस पर हमें टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टिक द स्मॉलर टायर। जो छोटा टायर है उस पर हमें टिक करना है। तो चलिए इस पर टिक कर लेते हैं। तो इस पर मैंने टिक कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक वापस एक और आया है, सेम वैसे ही। उसमें था बिगर एंड स्मॉलर, दो लोगों का कंपेरिजन था। अब यहाँ पर वही चीज़ है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन है, यानी कि 3 है, 4 होंगे। तो बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। बिगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। और स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि सबसे छोटा। तो यहाँ पर हमें अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। लिखा है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। तो इसमें से जो सबसे छोटा ट्री होगा, इसमें से जो सबसे छोटा पेड़ होगा उस पर हमें टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला सबसे छोटा लग रहा है, ये सबसे बड़ा है, और ये वाला जो है ये थोड़ा मीडियम साइज का है। तो सबसे छोटा ये वाला पेड़ लग रहा है, तो हमें इस पर ऐसे टिक कर देना है। तो जो सबसे छोटा पेड़ था मैंने उस पर टिक कर दिया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी ये कंप्लीट करना है। अब इसमें देखते हैं। इसमें एक यहाँ पे दिख रहा है डॉग, एक यहाँ पे है कैट और एक यहाँ पर है एलिफेंट। तो डॉग, कैट और एलिफेंट, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे पूछा है टिक द बिगेस्ट एनिमल। तीनों में से सबसे बड़ा जो एनिमल होगा उसी पर हमें टिक करना है। तो डॉग तो है छोटा, मीडियम साइज का दिख रहा है, बिल्ली सबसे छोटी है, और एलिफेंट यानी कि जो हाथी है वो सबसे बड़ा है। तो हमें बिगेस्ट एनिमल पर टिक करना है। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा? हाथी। तो इस पर हमें टिक कर देना है इस तरह से। तो ये हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। जो सबसे छोटा फल होगा उस पर हमें टिक करना है। तो देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे है मैंगो। तो ये जो आम है इस पर, ये तो मीडियम साइज का है तो इस पर टिक कर नहीं सकते। तरबूज जो है ये वाटरमेलन सबसे बड़ा है, इस पर भी टिक नहीं कर सकते। और ये लीची जैसा लग रहा है, थोड़ा छोटा है, तो इस पर हम टिक कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा है। और यहाँ बोला भी है कि टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटे फल पे टिक करो। तो चलिए इस पर टिक कर लेते हैं, ये सबसे छोटा है। अब यहाँ पे लिखा है टिक द बिगेस्ट बबल, ये जो फुला रहा है ये होता है, इसमें से छोटे छोटे गोले निकलते हैं और उड़ते हैं, इसे कहते हैं बबल्स। तो यहाँ पे ये जो बबल्स उड़ा रहा है इसमें लिखा है टिक द बिगेस्ट बबल, जो सबसे बड़ा है उस पर टिक करना है। अब ये वाला जो है ये तो बहुत छोटा है तो ये तो रोंग हो गया, ये भी रोंग हो गया, ये भी छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो सबसे बड़ा जो ये है इस पर हमें टिक कर देना है, सबसे बड़े वाले पर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे समझाया हुआ है टॉपिक टॉप एंड बॉटम। अब टॉप मीन्स क्या होता है और बॉटम मीन्स क्या होता है। टॉप मीन्स होता है कि सबसे ऊपर, टॉप मीन्स होता है सबसे ऊपर, और बॉटम मीन्स होता है सबसे नीचे। तो यहाँ पे टॉप क्या मतलब सबसे ऊपर कौन है और बॉटम यानी कि सबसे नीचे कौन है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे झूला लगा हुआ है, सरकने वाला लगा हुआ है, जिसमें यहाँ पे एक लड़का सबसे ऊपर बैठा हुआ है और एक लड़का यहाँ सीढ़ी चढ़ रहा है नीचे से। तो यहाँ लिखा हुआ है टॉप और यहाँ लिखा हुआ है बॉटम। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा पेड़ बना हुआ है, पेड़ के सबसे ऊपर की डाली पर यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, एक बर्ड बैठी हुई है, जिस और लिखा हुआ है टॉप यानी कि ये सबसे ऊपर है, और बिल्ली यहाँ पे सबसे नीचे जमीन पर बैठी हुई है। तो ये जो कैट है ये बॉटम भाग में है यानी कि सबसे नीचे है। तो यहाँ पे हमें अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है टिक द पॉट ऑन द टॉप, हमें ऐसे बर्तन पर टिक करना है जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे ऊपर हो हमें उस पर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 3 ऐसे भाग बनाए हुए हैं, ऐसे राउंड किया हुआ है, और यहाँ पर 3 मटके बनाए हुए हैं। तो तीनों में से जो सबसे ऊपर होगा हमें उस पर टिक करना होगा। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ये है, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ये सबसे ऊपर है, बाकी के दोनों नीचे हैं। अब देखते हैं साइड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी, स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। तो यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सबसे ऊपर एक यहाँ पे एनिमल है और सबसे नीचे एक एनिमल है, ऊपर कैट है, नीचे यहाँ पर एक डॉग है। तो इसमें ऊपर एक एनिमल है और एक नीचे है, तो ये हुआ टॉप और ये हुआ बॉटम। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पे लिखा है टिक द एनिमल एट द बॉटम, तो बॉटम भाग में जो है वो एनिमल पे हमें टिक करना है। तो ये जो भाग है ये बॉटम में है, ये वाला बॉटम में है, और ये जो है ये टॉप में है, तो हमें इस पर ऐसे टिक करना होगा, हमें इस पर टिक करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है नियरर एंड फार्दर। नियरर, नियरर मीन्स होता है पास, नियर मीन्स होता है पास, नियरर मीन्स जो पास में हो, और फार्दर मीन्स होता है दूर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास है और कौन सी चीज़ हमसे दूर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द बर्ड नियरर टू होम, हमें ऐसे पक्षी पर टिक करना है जो घर के पास हो। यहाँ पे एक घर बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, ये घर है, और यहाँ पर ये जो बर्ड है ये वाला बर्ड ये घर के पास है, जबकि यहाँ पे ये जो है ये घर से दूर है। तो ये जो बर्ड है हमें इस पर टिक करना होगा क्योंकि ये घर के पास है, तो मैं इस पर ऐसे टिक कर देता हूँ। तो ये है आपका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। फार्दर का मतलब होता है दूर, और ट्री मीन्स पेड़, तो पेड़ से जो बिल्ली दूर है, कैट मीन्स बिल्ली, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिक करना है हमें उस बिल्ली पर जो पेड़ से दूर है। तो जो पेड़ से सबसे ज़्यादा दूर है उस पर हमें टिक करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक चूहा है मीन्स रेट, यहाँ एक कैट है, और एक कैट यहाँ पीछे छुपा हुआ है पत्थर के। तो यहाँ पे ये जो बिल्ली है ये पेड़ से नज़दीक है, लेकिन यहाँ बोला क्या है कि फार्दर, फार्दर मीन्स दूर, तो पेड़ से सबसे ज़्यादा दूर ये वाली बिल्ली है। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो बिल्ली है इसी पर हमें टिक करना है। तो हमें यहाँ पे ऐसे सही का निशान लगाना पड़ेगा मीन्स ट्रू का निशान, ठीक है। तो ये वाली बिल्ली ज़्यादा दूर है इसलिए इस पर सही का निशान लगा देना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। नियरेस्ट मीन्स होता है सबसे नज़दीक, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीक और फार्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे नज़दीक क्या है और सबसे दूर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में, राइट साइड में एक पेड़ है और पेड़ में एक झूला लगा हुआ है और यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ एक लड़की है। तो यहाँ पे पूछा बताया हुआ है नियरेस्ट टू द स्विंग। ये जो लड़का है, ये वाला, तो ये जो लड़का है यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट टू द स्विंग। स्विंग मीन्स होता है झूला। तो यहाँ पे पेड़ पे झूला है, इस झूले से सबसे नज़दीक कौन है? ये लड़का। नियरेस्ट टू द स्विंग यानी कि इस झूले से सबसे नज़दीक कौन है? ये लड़का। और ये जो लड़की है लिखा है फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग यानी कि झूले से ज़्यादा दूर है। फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग यानी कि झूले से सबसे दूर है। तो हमें यही पढ़ना है यहाँ पे, नज़दीक कौन है और दूर कौन है। तो लड़का नज़दीक है और ये लड़की दूर है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। टिक द पपी। पपी मीन्स होता है कुत्ते का बच्चा। टिक द पपी, पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा। फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, फार्देस्ट मीन्स सबसे दूर, फ्रॉम द ट्री पेड़ से सबसे दूर। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एक पेड़ दिया हुआ है, ये एक पेड़ दिया हुआ है और ये जो पेड़ है इसके पास यहाँ पे 4 कुत्ते के बच्चे हैं यानी कि 4 पपी है। तो अब ये जो कुत्ते के बच्चे हैं इसमें से हमें क्या चेक करना है? लिखा है टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से जो सबसे ज़्यादा दूर है हमें उस कुत्ते के बच्चे पे टिक करना है। तो ये जो पहला है ये तो नहीं है, ये तो नज़दीक है। ये जो दूसरा है ये भी नज़दीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी, तीसरा भी नहीं होगा। सबसे दूर कौन सा है? ये वाला है। तो इस वाले पे ऐसे हमें सही का निशान लगाना होगा कि ये सबसे दूर है। समझ में आया? तो ये हो गया। अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। टिक द ट्री, हमें ऐसे पेड़ पे टिक करना है, इन तीनों में से यहाँ पे 3 पेड़ दिया हुआ है, ऐसे पेड़ पे टिक करना है। नियरेस्ट टू द बर्ड, जो सबसे नज़दीक हो पक्षी के। बर्ड मीन्स पक्षी, नियरेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक। तो इन तीनों पेड़ में से जो सबसे नज़दीक हो पक्षी के उस पेड़ पे हमें टिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पक्षी इस जगह पे है, पक्षी यहाँ पर है और पेड़ जो है ये पहला, ये दूर है तो ये तो होगा नहीं, तो हमें इस पे नहीं करना है, इस पर भी, ये बीच वाले पर भी नहीं करना है। ये जो लास्ट वाला है चिड़िया के नज़दीक, यही पे हमें टिक करना है क्योंकि यही सबसे नज़दीक है। नियरेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे नज़दीक। तो यही पेड़ चिड़िया के सबसे नज़दीक है, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है ऑन, अंडर, अबो, बिलो। ऑन मीन्स होता है ऊपर, ऑन मीन्स होता है ऊपर। अबो मीन्स भी होता है ऊपर, ऑन मीन्स भी होता है ऊपर और अबो मीन्स भी होता है ऊपर। इसी तरह अंडर मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। और बिलो मीन्स भी क्या होता है? नीचे। अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। और बिलो मीन्स भी क्या होता है? नीचे। तो जब दोनों का मीनिंग सेम है तो हमें 2-2 वर्ड क्यों दिया गया है? हमें 2-2 वर्ड इसीलिए दिया गया है क्योंकि दोनों वर्ड अलग अलग जगह पे यूज होता है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बताता हूँ कि कैसे अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ऑन मीन्स होता है ऊपर, ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। पर ऊपर मीन्स होता है जैसे कोई टेबल हो और टेबल पर कोई वस्तु रखा गया हो, यानी कि कोई एक सामान है और उस सामान के ऊपर कोई दूसरा सामान रखा गया है, यानी कि वो दोनों सामान एक दूसरे से सटे हुए होंगे, वो दोनों सामान एक दूसरे से सटे हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल है और यहाँ पर ये एक बिल्ली है, दिख रहा है? एक टेबल है और एक यहाँ पे बिल्ली है। बिल्ली जो है ये टेबल के ऊपर है, बिल्ली जो है ये टेबल के ऊपर है, तो ये टेबल से सटी हुई है, इसीलिए यहाँ पर ऑन का यूज हुआ है। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। समझ में आया आपको? ऑन का उपयोग इस तरह से होता है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ अबो का। अबो मीन्स भी होता है ऊपर, लेकिन ये इस जगह पे क्यों यूज हुआ? तो देखिए, ये जो पंखा है, ये जो पंखा है ये किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर के साइड है, टेबल के ऊपर के साइड में क्या है? ये पंखा है, फैन है। पर ये जो पंखा है ये टेबल से सटा हुआ नहीं है, ये जो फैन है ये टेबल से सटा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, अबव। इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, अबव। यानी कि जहाँ पे कोई सामान किसी के ऊपर हो और सटा हुआ हो वहाँ पे ऑन यूज होता है, और जहाँ पे सामान ऊपर हो पर सटा हुआ ना हो वहाँ पे अबव यूज होता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब अंडर और बिलो के बारे में देखते हैं। तो अंडर मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स होता है नीचे, और बिलो मीन्स भी होता है नीचे, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग जगह पे यूज होता है अलग अलग तरीके से। अब देखो, अंडर मीन्स होता है नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चूहा है, ये टेबल के नीचे के साइड में एक चूहा है, और ये चूहा जो है ये टेबल के नीचे तो है पर टेबल से सटा हुआ नहीं है। ये जो टेबल है, ये जो चूहा है ये टेबल के नीचे तो है पर टेबल से सटा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, अंडर। क्या यूज होगा, अंडर। और यहाँ पर यूज हुआ है बिलो द फैन, पंखे के नीचे, पंखे के नीचे है ये। अब ये जो पंखे के नीचे है ये लड़का, तो पंखा ऊपर है और ये जो लड़का है ये पंखे के नीचे है, इसका मतलब ये जो है ये पंखे से सटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी बिलो यूज हुआ है, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे ये टेबल के नीचे के साइड में है, और यहाँ पे ये जो है ये लकड़े के पास है, जबकि ये लकड़े से मतलब सटा हुआ है, इससे ढका हुआ है, यानी कि इस टेबल से ढका हुआ है, इसलिए टेबल के नीचे है तो अंडर यूज हुआ है। यानी कि किसी चीज़ से ढके हुए हो तो वहाँ पे अंडर यूज होगा, और यहाँ पे ये पंखे से कोई ढका हुआ नहीं है, पंखा सिर्फ इसके ऊपर है और ये पंखे के नीचे के साइड में है, इसलिए यहाँ पे बिलो यूज हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अंडर और बिलो का डिफरेंस भी। अंडर का यूज तब होता है जब हमारे ऊपर कोई सामान हो और हम नीचे के साइड में हो पर हम उस चीज़ से ढके हुए हो तो अंडर यूज होगा, और ना ढके हुए हो नीचे के साइड में हो तो बिलो यूज होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल, टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर हमें ऐसे बच्चे के ऊपर टिक करना है, एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल, और ऐसे बच्चे पर टिक करना है जो क्रॉस करना है जो टेबल के नीचे है। जो टेबल के ऊपर है यानी कि जो टेबल के ऊपर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है ये, और जो टेबल के नीचे है उस पर हमें गलत का निशान लगाना है, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं टेबल के ऊपर जो है, तो पहला टेबल के ऊपर ये दिख रहा है तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। टेबल के ऊपर ये लड़का भी दिख रहा है तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। ये लड़की भी टेबल के ऊपर है एक, तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं, और ये दोनों भी टेबल के ऊपर ही है तो इन दोनों पर भी हम सही का निशान लगा देते हैं। अब दूसरा बोला था कि जो टेबल के नीचे हो, अंडर द टेबल, जो टेबल के नीचे हो ऐसे चिल्ड्रन पर हमें क्रॉस का सिंबल लगाना है। तो टेबल के नीचे के साइड में कौन है? ये लड़का टेबल के नीचे के साइड में है, तो इस पर हमें क्रॉस करना है। क्या करना है? इस पर हमें क्रॉस करना है ऐसे, समझ में आया? इस पर हमें ऐसे क्रॉस का सिंबल लगाना है, सही का निशान यहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शेप्स अराउंड अस, शेप्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से आकार के सामान होते हैं। यहाँ इस पिक्चर में तो अलग अलग सामान यूज हुआ है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन समझाया गया है। शेप्स अराउंड अस, शेप मीन्स होता है अलग अलग साइज के जो सामान होते हैं अलग अलग आकार के, वो जैसे कि कोई गोल होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, इस टाइप के अलग अलग आकार के सामान होते हैं। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शेप है और क्वेश्चन क्या है। लिखा है पुट द शेप्स इन द पिंक, पुट द शेप्स इन द पिंक। हमें ऐसे यहाँ पे शेप रखने हैं, कुछ शेप पिंक में। ये जो पिंक कलर का बॉक्स है ये पिंक कलर का बॉक्स है, और यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स है, दो अलग अलग टाइप के बॉक्स है। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्रॉइंग अ लाइन। तो हमें क्या करना है, इस दोनों बॉक्स में ये जो भी यहाँ पे सामान रखे हुए हैं इन सारे सामान को इसमें हमें अलग अलग करके रखना है। कैसे? ड्राइंग अ लाइन, लाइन बनाकर, यानी कि हम लाइन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिंक कलर का बॉक्स है इसके अंदर एक स्क्वायर आकार का, यानी कि क्यूब आकार का, जो क्यूब होता है उस टाइप का घन आकार का यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। जबकि यहाँ पे येलो कलर का जो है इसमें गोल आकार का एक रखा हुआ है, सर्कल टाइप का। तो जो जो गोल सामान होगा वो सारे सामान इस येलो बॉक्स में लाने हैं, और जो जो क्यूब आकार के होंगे, स्क्वायर आकार के होंगे, वो सारे सामान हमें इस बॉक्स में, पिंक कलर के बॉक्स में लाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 बॉक्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। इसमें से एक तो इसमें आ चुका है लाइन ड्रॉ करके, जैसे इसमें लाइन बनाया गया है ऐसा ही हमें भी लाइन बनाना है। तो ये तो एक आ गया, बाकी के 3 हमें इसमें लाने हैं। फिर ये जो 4 गोल आकार के हैं ये हमें इसमें लाना है। तो चलिए लेकर आते हैं लाइन ड्रॉ करके। तो मैं यहाँ से अब पहले इसमें लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आ गया इसमें। फिर इस पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया पिंक कलर वाले में। और इस पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारे बॉक्स इसमें आ चुके हैं। अब हमें गोल वाला करना है, तो ये गोल वाला पहले इसमें लेकर आते हैं, आ गया। फिर ये जो ये है टमाटर, टोमेटो, इसको हम इसके अंदर लेकर आते हैं, ये भी आ गया। अब ये जो फुटबॉल है इसको लेकर आते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद ये जो ऑरेंज है इसको इसमें लेकर आते हैं, ये भी आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी स्क्वायर आकार के बॉक्स थे वो सब पिंक कलर वाले बॉक्स में आ चुके हैं, और जो भी यहाँ पे सर्कल में बना हुआ था वो सब यहाँ पर येलो कलर वाले बॉक्स में आ चुका है। तो इस तरह से हमें करना था, जो हमने कर दिया। आप लोग अलग अलग टाइप के ऐसे लाइन बना लेना, जैसे थोड़ा अच्छे से बना लेना जिससे और अच्छा दिखे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। तो यहाँ पे एक साइड यहाँ पे दिया हुआ है पूरा पिक्चर्स, और एक साइड यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर्स। तो हमें क्या करना है कि इस साइड के जो भी पिक्चर्स हैं, इस साइड के जितने पिक्चर्स हैं हमें इस साइड के पिक्चर से मैच करना है। तो मिलता जुलता जितना भी पिक्चर होगा हमें उसे लाइन से ज्वाइंट करना। लिखा है सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। एक लाइन जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बना के कि ये बॉक्स जैसे है, सेम ऐसा ये बॉक्स है, तो ये दोनों जोड़ दिया गया है। तो इसी तरह से हमें इस साइड के दोनों ये जोड़ना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स है और एक बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसे हम जोड़ देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ऐसे हमें ये जोड़ देना है लाइन बना के। तो जैसे मैंने जोड़ दिया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक ये बॉल दिया हुआ है ग्रीन कलर का और एक यहाँ पे फुटबॉल दिया हुआ है। तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे जिससे ये दोनों जॉइंट हो जाएगा, सर्कल आकार में है। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों भी जॉइंट हो चुके हैं लाइन से। अब बचा यहाँ पे एक टोमेटो बचा, मीन्स टमाटर, और यहाँ पे एक बलून है, गुब्बारा। ये दोनों भी एक ही आकार के हैं, सर्कल सर्कल। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो ये मैंने जोड़ दिया, सब एक जैसे आकार के थे इसलिए मैंने जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को भी ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को छांट कर अलग करना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें से हमें छांट छांट के सब कुछ अलग करना है क्योंकि ये सब मिक्स दिया हुआ है। तो हमें सॉर्टिंग मीन्स अलग अलग करना होता है। तो चलिए हम अलग अलग कर लेते हैं। क्या करना है देखते हैं। लिखा है सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप। यहाँ पे इसके पास एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में अलग अलग ऐसे शेप दिए हुए हैं, यानी कि अलग अलग आकार दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो सामान दिया हुआ है इसमें से हमें क्या करना है, लिखा है जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप। हमें लाइन से एक जैसे आकार वाले शेप को जोड़ना है, अलग अलग टाइप के लाइन से एक आकार वाले शेप को जोड़ना है जिससे वो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं सॉर्टिंग अलग अलग टाइप के लाइन से। तो पहला यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, थोड़ा ये सिलेंडर आकार का है, मतलब लंबा सा है और गोल सा है। तो इस टाइप के जितने भी यहाँ पे होंगे सबको इससे जॉइंट कर देना है। तो चलिए इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो एक तो इसमें जुड़ चुका है पहले से ही, ये दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे मैं जॉइंट कर लेता हूँ। तो ये जॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक पेंसिल है, ये भी इसी आकार का है, इसे जॉइंट कर लेते हैं। ये जॉइंट हो चुका है इसके साथ। अब इसके बाद यहाँ पे एक मोमबत्ती दिया हुआ है कैंडल, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये यहाँ से नीचे से ले आ रहा हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ, ये भी हो गया ज्वाइंट। और एक यहाँ पे ये दिया हुआ है छोटा सा डब्बा, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आ गया इसके साथ ज्वाइंट हो चुका है। अब एक यहाँ पे बोतल दिया हुआ है, ये भी इसी आकार का है, इसे भी इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो जितने भी इस टाइप के आकार के थे, मतलब थोड़ा लंबा था थोड़ा गोल था, उस टाइप का तो मैंने जोड़ दिया। अब मैं आपको दूसरे कलर से इसे ज्वाइन करके दिखाता हूँ बाकी के शेप्स। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर और बाकी का ज्वाइन करके दिखाता हूँ। अब ये जो है ये, इसे हमें ज्वाइन करना है सर्कल के साथ। ये सर्कल है तो इसे सर्कल के साथ जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑरेंज है, इसे जोड़ लेते हैं इसे। तो इसे मैंने इसे सर्कल के साथ जोड़ दिया। दूसरा यहाँ पे एक गेंद दिया हुआ है, तो ये जो गेंद है ये भी सर्कल टाइप का है, इसे भी जोड़ लेते हैं इसके साथ। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक बलून दिया हुआ है गोल सा, इसे जोड़ लेते हैं इसके साथ। फिर एक दिया हुआ है यहाँ पे वाटरमेलन में तरबूज, इसे जोड़ लेते हैं इसके साथ। तो ये भी ज्वाइंट हो चुका है ग्रीन कलर वाले लाइन से। अलग अलग कलर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसमें पता चले कि कौन सा किसके साथ ज्वाइंट हुआ है। अब हमें जोड़ना है ये बॉक्स टाइप का जो है स्क्वायर आकार का या क्यूब आकार का, इसे हमें जोड़ना है। तो चलिए दूसरा कलर एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पिंक कलर, ये ले लेता हूँ ब्रिंजल टाइप का। तो ये कलर मैंने ले लिया बैगनी कलर वायलेट। अब हमें जोड़ना है ये स्क्वायर और क्यूब टाइप का जो भी है। तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, इसे जोड़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे गिफ्ट बना हुआ है, इसे जोड़ लेते हैं इसके साथ, ये जॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक ईंट रखा हुआ है, इसे जोड़ लेते हैं। तो ये तीनों भी जॉइंट हो चुका है। अब हमें जोड़ना है यहाँ पे ये जो कोन आकार का है, कोन टाइप का, इस टाइप का जो भी बना होगा उसे जोड़ना है। तो चलिए एक दूसरा कलर ले लेते हैं उसके लिए। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डार्क ब्लू। अब ये जो है टोपी, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस कोन के साथ। और ये एक है, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं इस कोन के साथ। और एक यहाँ पे आइसक्रीम छपा हुआ है, ये भी उसी टाइप का है, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं इस कोन के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी आकार थे, जितने भी यहाँ पे शेप्स थे, सबको मैंने अलग अलग टाइप के कलर से जो जिसके साथ मैच हो रहा था उसके साथ ज्वाइन कर दिया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अलग अलग जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से लाइन खींच के ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे है। लिखा है मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप। यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है सिमिलर शेप वाले, एक जैसे आकार वाले। तो एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा इसके अंदर कुछ शेप है और उतना ही यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो दोनों में से जो मैच कर रहा है उसके साथ हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक कोन है और यहाँ बाहर भी एक टोपी थी जो कि एक ही आकार की थी, जो पहले से जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे टमाटर दिख रहा है छोटा सा, और यहाँ पर एक आपको बॉल दिख रहा होगा छोटा सा। तो ये दोनों एक ही आकार के हैं, तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये भी ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे एक आपको ग्रीन कलर का वाटरमेलन दिख रहा होगा, तरबूज, और यहाँ पे आपको एक बलून दिख रहा होगा ब्लू कलर का। तो ये दोनों को हम ज्वाइंट कर लेते हैं क्योंकि एक ही आकार के हैं। तो ये ज्वाइंट हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये लंबा सा और पतला सा थोड़ा गोल टाइप का है। इसी तरीके से यहाँ पे एक मोमबत्ती दिया हुआ है, लंबा सा और पतला सा दिख रहा है। तो ये दोनों एक ही आकार के हैं, तो हम इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ से, ये इसके साथ ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर आकार का ये ईंट रखा हुआ है, सेम ऐसे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है गिफ्ट बॉक्स। तो इन दोनों का भी शेप एक जैसा है, तो इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये ज्वाइंट हो चुका है इसके साथ। अब इसके बाद यहाँ पे एक ये फनल बना हुआ है, कीप मीन्स कुप्पी या कीप भी इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे एक कोन टाइप का बना हुआ है, मतलब दोनों का आकार सेम है, तो हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। हो गया ये ज्वाइंट। अब यहाँ पर एक पानी का बोतल दिख रहा है और यहाँ पर भी इसी टाइप के दो आकार हैं, लेकिन इसमें से ये जो है ये छोटा वाला ये इस टाइप का है डब्बे के जैसा, और ये जो बड़ा वाला डब्बा है ये इसके जैसा है, तो हम इसके साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा इसके साथ और ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ऐसे सारे सामान जो भी थे शेप्स वो ज्वाइंट हो चुके हैं, तो इसी तरीके से आपको भी ये सब ज्वाइंट कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोलिंग मीन्स होता है कि घूमते हुए नीचे आना। रोलिंग मीन्स क्या होता है? घूमते हुए नीचे आना। जैसे कि यहाँ पे आपका एक बॉल दिख रहा होगा ये स्लाइडर पे, तो ये घूमते हुए नीचे आता है, इसका मतलब ये रोल कर रहा है। और स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है? फिसलते हुए नीचे आना। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा स्लाइडर, इस पर ये कोई स्क्वायर आकार का कुछ बॉक्स फेंकी है, तो ये फिसलते हुए नीचे आ रहा है। समझ में आया? ये रोल करते हुए आ रहा है, मीन्स घूमते हुए आ रहा है बॉल, जबकि ये जो बॉक्स है ये फिसलते हुए नीचे आ रहा है। तो रोलिंग मीन्स होता है घूमते हुए आना और स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलते हुए आना। तो देखते हैं अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। तो हमें ये पहचानना है यहाँ पे कि क्या रोल कर सकता है, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो घूम सकता है और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो फिसल सकती है। तो यहाँ लिखा है टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। हमें यहाँ पे ऐसे सामान पर टिक करना है जो कि रोल कर सकता है। रोल मीन्स घूमना। पेंसिल घूम सकती है, पेंसिल घूमते हुए आ सकती है। अगर हम उसे ऐसे क्रॉस में करके, यानी कि लंबे टाइप का जो है वो नीचे करके अगर ढंगलाए, यानी कि उसे रोल करवाए, तो वो रोल करते हुए आएगी। और इसी तरह ये जो प्याज है ये भी, और ये जो बॉल है ये भी, तो हम इसे रोल कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम टिक कर लेते हैं। जबकि ये जो बटर है इस पर इसे रोल नहीं कर सकते, तो इसे हम रोल करवा सकते हैं, इसे भी करवा सकते हैं और इसे भी करवा सकते हैं। तो हमें उन तीनों सामान पे टिक करना था जिस पर हम रोल कर सकते हैं। तो ये जो पहला है इस पर हम रोल कर सकते हैं, ये दूसरे पर और इस पर भी। इस तरीके से तीनों पर हम रोल कर सकते हैं, इसीलिए इन तीनों पर टिक करना है। तो ये तीनों रोल कर सकता है, तो हो गया ये। अब देखते हैं टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब हमें यहाँ पर वो सामान पर टिक करना है जो कि स्लाइड करेगा। जैसे ये टमाटर जो है ये तो रोल करने वाला है, मतलब कि ये गोल गोल घूमते हुए जाएगा। बैटरी जो है ये भी गोल घूमते हुए जाएगी, लेकिन ये जो बॉक्स टाइप का है ये गोल नहीं घूमेगा, मतलब ये स्लाइड करेगा। इसी तरीके से ये भी गोल कम घूमेगा और ये स्लाइड भी कर सकता है, गोल भी घूम सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है ये स्लाइड ही करेगा। तो ये आंसर यहाँ पे सही है, बाकी के तीनों जो है वो रोल करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी दिया हुआ है वाइज ग्रैंडमदर के बारे में। वाइज मीन्स क्या होता है? वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, यानी कि तेज दिमाग वाला। और ग्रैंडमदर मीन्स होता है दादी। ग्रैंडमदर मीन्स दादी। तो यहाँ पे कोई बुद्धिमान दादी है, उसके बारे में स्टोरी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी में क्या समझाया गया है। वंस देयर वाज अ लैम। लैम मीन्स होता है भेड़ का बच्चा या फिर बकरी का बच्चा। तो यहाँ पर भेड़ का बच्चा दिया हुआ है। लैम मीन्स मेमना, जो कि भेड़ का बच्चा है। वंस देयर वाज अ लैम, एक बार एक भेड़ का बच्चा था। गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर, और वो अपने दादी से मिलने जा रहा था या अपनी दादी को देखने जा रहा था। एक बार एक भेड़ का बच्चा था और वो अपने दादी से मिलने या फिर उन्हें देखने जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में या रास्ते पर, थ्रू द जंगल, जंगल की साइड से, या फिर जब जंगल में से जा रहा था वो, उस समय रास्ते पर ही मेट अ वुल्फ, तो उसे एक भेड़िया मिला। वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया, जो कि जंगली जानवरों का शिकार कर लेता है। तो जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था उस समय उसे एक भेड़िया मिला। अब भेड़िया क्या कहता है? यहाँ पे इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि भेड़िए के मुंह में पानी आ गया, इसे देखते ही ये इसे खाना चाहता है। तो देखते हैं क्या कहता है ये। भेड़िया कहता है आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। भेड़िया कहता है इसे, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। फिर देखते हैं मेमना क्या कहता है। अब मेमना कहता है प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो या मुझे छोड़ दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी से मिलने जा रहा हूँ। तो ये अपने दादी से मिलने जा रहा है, इसीलिए बोलता है कि कृपया मुझे छोड़ दो। यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न, और जब मैं वापस आऊँगा तो आप तुम मुझे खा सकते हो। तो ऐसा कहता है कि जब मैं वापस आ जाऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। तो भेड़िया जो है वो मान जाता है, ये कहता है ओके ठीक है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो ये मान जाता है और कहता है कि तुम जा सकते हो। अब जो ये मेमना है ये जाएगा अपनी दादी से मिलने। तो देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। When he was about to return, जब वो अपने दादी से मिलने के बाद वापस आने वाला था, जब वो अपनी दादी से मिलने के बाद वापस आने वाला था, तो उस समय he told the grandmother, उसने दादी से कहा, उसने अपनी दादी से कहा about the wolf, किसके बारे में? वुल्फ के बारे में, यानी कि मेमने के भेड़िए के बारे में। तो जो मेमना था उसने अपने दादी से भेड़िए के बारे में बताया। अब दादी क्या कहती है? द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। तो दादी ने क्या किया? उन्होंने भेड़ को या मेमने को एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? कि किस तरह से भेड़ से, भेड़िए से बचा जाए, यानी कि जो भेड़िया है इससे कैसे बच सकते हैं, नहीं तो ये तो मार के खा जाता मेमने को। तो उन्होंने एक आइडिया दिया, किसे? मेमने को। देखते हैं क्या आइडिया दिया। तो कहती हैं गो एंड हाइड योरसेल्फ, जाओ और खुद को छुपा लो। कहाँ? इन अ ढोलक, लिखा इन अ ढोलक। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में एक ढोलक छपा हुआ है और इस ढोलक में यहाँ पे छेद बना हुआ है। कहते हैं कि जाओ तुम खुद को उसमें छुपा लो। तो यहाँ पे ढोलक का मुंह खुला हुआ है और ये जो मेमना है ये इसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे लिखा he did so, उसने वैसा ही किया जैसा उसकी दादी ने कहा। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। फिर द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, और जो ग्रैंड मदर है यानी कि उसकी दादी मेमने की, वो रोल की, रोल मीन्स ढंगलाते हुए ले जाना, रोल मीन्स ढंगलाते हुए ले जाना, तो ढंगलाते हुए ढोलक को रोड पर छोड़ दी। तो रोड पर वो ढोलक ढंगल रहा था ऐसा ही। द लैम्ब सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम, और जो मेमना है वो देख रहा था कि जो वुल्फ है यानी कि भेड़िया, वो इंतजार कर रहा था किसका? मेमने का। मेमने ने देखा कि जो भेड़िया है वो मेमने का इंतजार कर रहा था खाने के लिए। अब भेड़िया क्या कहता है? डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे, किससे? ढोलक से कहता है। उसको लगता है कि ढोलक चल रहा है। तो भेड़िया पूछता है डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे, क्या तुमने देखा कि कोई लैम्ब यानी कि कोई मेमना इस रास्ते से आ रहा था। तो उससे ढोलक से पूछता है कि क्या तुमने देखा कि कोई मेमना इस रास्ते से आ रहा था। तो जो ढोलक है उसमें से आवाज आती है नो, नहीं। उसमें से क्या आवाज आती है? नहीं। अब लिखा द वुल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अब जो वुल्फ है भेड़िया, उसे शंका हुआ। शंका क्यों होगा? क्योंकि ढोलक तो कभी बोलता नहीं ना, पर ढोलक में से तो आवाज आ गई। ढोलक तो कभी बोलता नहीं पर ढोलक में से आवाज आई, तो भेड़िया को शक हो गया कि ढोलक में जरूर कोई है। द वुल्फ ग्रीव सस्पिशियस, तो जो वुल्फ था भेड़िया उसे शंका हुआ। एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, और वो ढोलक के पीछे दौड़ना चालू कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मेमना उसी में होगा, क्योंकि ढोलक तो बोलता नहीं और ढोलक में से तो आवाज आ गया। तो आवाज आने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई जानवर तो है। तो उसे खाने के लिए वो ढोलक के पीछे दौड़ा। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम, तो इससे पहले कि जो भेड़िया है वो उसे पकड़ पाता मेमने को। द लैम्ब रिच्ड होम, जो मेमना था वो अपने घर पहुंच गया। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता भेड़िया, मेमना अपने घर पहुंच गया। एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर, और वो अपने दादी का धन्यवाद किया, क्योंकि दादी की वजह से ही वो बचा था, नहीं तो रास्ते में तो अब तक खा गया होता भेड़िया उसे। तो अपने दादी को धन्यवाद किया, मतलब उन्हें थैंक्स कहा। तो इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म होती है। इसका मतलब यहाँ ये है कि इसकी दादी जो थी वो बुद्धिमान थी, उन्होंने ही इसे बचाने का आइडिया निकाला जिससे ये बच सका मेमना। अब देखते हैं इसके बाद का एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज में दिया हुआ है शेप्स। शेप्स मीन्स होता है आकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग आकार में शेप बना हुआ है, मतलब कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, ऐसे अलग अलग टाइप से शेप्स बने हुए हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें लिखा है मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज के जो शेप होंगे उसे हमें ऐसे मैचिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है करके एक लाइन ऐसे ज्वाइंट किया हुआ है, सेम साइज के ट्राइंगल है तो उसे मैच कर दिया गया है। तो इसी तरह से हमें भी यहाँ पे जो जो सेम साइज के ट्राइंगल होंगे उसे मैच करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे मैच करते हैं। मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह से मैच करना है। तो देखिए पहला तो इसमें जॉइंट हो चुका है क्योंकि ये दोनों सेम साइज के थे। अब दूसरा यहाँ पे एक दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा छोटा है, दोनों एक साइज के दिख रहे हैं। तो इन दोनों को मैच कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एक साइज के हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मोटी सी ब्लू कलर की लाइन ली है और उसे मैच कर दिया है। तो आप लोगों को भी इस तरह से मैच कर लेना है। फिर देखते हैं, इसके बाद ये बड़ा सा ट्राइंगल है, इस साइड भी एक बड़ा सा ट्राइंगल है, तो दोनों बड़े बड़े हैं, तो ये दोनों मैच कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं। ये मैच हो गया। इसके बाद यहाँ भी छोटा सा एक ट्राइंगल है और इस साइड भी छोटा सा एक ट्राइंगल है, तो ये दोनों सेम साइज के हैं, इसलिए इन दोनों को मैच कर लेते हैं। अब बचा यहाँ पे सबसे नीचे सबसे छोटा ट्राइंगल, इसी तरह से यहाँ पे इस साइड सबसे ऊपर एक सबसे छोटा ट्राइंगल बचा हुआ है। तो चलिए इसे भी हम मैच कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा दिखाई दे मैच करते समय। देखिए यहाँ पे ये सबसे छोटा ट्राइंगल है, इसे मैं मैच करता हूँ ये सबसे नीचे जो ट्राइंगल है छोटा सा उसके साथ। तो यहाँ से मैंने इसे मैच कर दिया। इस तरह से आप लोग भी लाइन खींच के इसे मैच कर लेना। तो ये आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है। सेम वैसे ही फिर से आ गया एक और, इसमें भी देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसे आकार है। मैच द सेम शेप्स लिखा है, हेडिंग दिया है मैच द सेम शेप्स, मतलब एक ही आकार के हमें मैच करने हैं जो भी दोनों साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं, मैं पेज को छोटा ही रहने देता हूँ और आप लोगों को ये मैच करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो है वो सर्कल है, पहला जो है वो क्या है सर्कल, और यहाँ पे इस साइड भी एक सर्कल है। तो इन दोनों सर्कल को हम मैच कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये लाइन आप अच्छे से खींच लेना जिससे ये ज्वाइंट हो जाए। तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे एक ये है एक क्वाड्रिलेटरल, और इस साइड भी आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रिलेटरल, मीन चार कोने वाला जो भी होता है, चार भुजा वाला, तो वो क्वाड्रिलेटरल है, इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। हो गया ये। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज, और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल दिया है त्रिभुज, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया मैचिंग। अब इसके बाद यहाँ पर हाफ सर्कल दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं हाफ सर्कल है या नहीं। यहाँ पे भी हाफ सर्कल है, तो दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हाफ सर्कल जुड़ेगा यहाँ वाले हाफ सर्कल से, तो ये भी ज्वाइंट हो गया। अब इसके बाद बचा एक यहाँ पे पेंटागोन। पेंटागोन मीन्स जिसकी 5 साइड्स होते हैं, 5 साइड्स, वो होता है पेंटागोन, तो इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेना, थोड़ा पतला लाइन यूज करना जिससे अच्छा दिखे और समझ भी आए। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर द स्मॉलेस्ट शेप। अब इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि और आपको क्लियर दिखे। कलर द स्मॉलेस्ट शेप, इसमें से जो सबसे छोटा आकार वाला है उसे हमें कलर करना है। तो पहला एक तो करके दिखाया हुआ है, सबसे छोटा ये है, इसलिए इसमें एक कलर कर दिया गया है। कौन सा कलर करना है ये तो नहीं लिखा है, तो हम कोई भी कलर कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसने येलो कलर किया। चलिए हम दूसरा करते हैं। यहाँ पे तीन सर्कल दिए हुए हैं, और तीनों में से सबसे छोटा ये वाला है, तीनों में से सबसे छोटा ये वाला है। तो चलिए इसके अंदर हम कलर कर लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेड कलर, और इसमें कलर कर लेते हैं, ऐसे इसके अंदर भर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा है शेप वाला कलर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमें सबसे छोटा ट्राइंगल ये दिख रहा है, तो ये वाला जो सबसे छोटा ट्राइंगल है इसी के अंदर हमें कलर करना है। तो चलिए इसमें एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई ये ऑरेंज टाइप का ले लेते हैं, और इसके अंदर कलर करते हैं। तो ये आप कर लेना अच्छे से, ट्राइंगल बराबर ऐसे भरा जाए, इस तरीके से आप लोग इसमें कलर भर लेना। आप देखते हैं यहाँ पे एक पेंटागन दिया हुआ है, तीन पेंटागन दिया हुआ है, तीनों में से जो बीच में है ये सबसे छोटा है, तो ये जो सबसे छोटा है इसी में हमें कलर करना है। तो इसके अंदर भी कोई कलर अच्छा सा भर देते हैं, जो भी आपको सही लगे वो कलर आप भर लेना। तो मैं ये कलर भर देता हूँ, इस तरीके से इसे भी ऐसे भर लेना है जो सबसे छोटे आकार वाला पेंटागन है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है जॉइन द सिमिलर शेप्स। शेप्स मीन्स तो आकार पता ही है आपको, सिमिलर मीन्स एक जैसा। तो यहाँ पे जो भी एक जैसे आकार वाले होंगे उसमें हमें जॉइंट करना होगा। तो पहले इसे छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिखाई दे आपको। तो ये मैंने छोटा कर दिया, अब आपको पूरा दिखाई देगा इसमें। और यहाँ पे मैचिंग करने के लिए एक कलर ले लेते हैं पतली लाइन वाला। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये लाइट डार्क ऑरेंज और थोड़ा पतला लाइन ले लेता हूँ ताकि मैचिंग अच्छे से हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये डायग्राम बना हुआ है, सेम ऐसा ही यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, दोनों को जॉइंट किया गया है, ऑलरेडी पहले से एग्जांपल दिया हुआ है। इसी तरह से हमें भी जो एक जैसे दिखेंगे उसके साथ जॉइंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ है और यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, सेम टू सेम दिख रहा है। तो इसे हम जॉइंट कर लेते हैं, तो ये हो गया जॉइंट। अब इसी तरीके से और भी यहाँ पे एक सर्कल दिया और यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, तो इन दोनों को जॉइंट कर लेते हैं, एक जैसा दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ये सिलेंडर आकार का दिख रहा है, यहाँ भी एक सिलेंडर आकार का दिख रहा है, मतलब थोड़ा गोल और लंबा टाइप का, तो इसे भी हम जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कलर ग्रीन। क्या करना है यहाँ पे, कलर ग्रीन। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे अच्छी तरह से दिखाई दे। तो ये मैंने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ लिखा हुआ है कलर ग्रीन, यानी कि जो ट्रायंगल है उसमें ग्रीन कलर करना है, सर्कल जो होगा उसमें रेड करना है और रेक्टेंगल जो होगा उसमें ब्लू करना है। यानी कि ऐसे लंबा सा जो आकार होगा, आयत जैसा, रेक्टेंगल जैसा, उसमें ब्लू कलर करना होगा। जितने भी रेड होंगे यानी कि जितने भी सर्कल होंगे उसमें रेड करना है और जितने भी ट्रायंगल होंगे उसमें ग्रीन करना है। तो चलिए एक एक ढूंढते जाते हैं और करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ये ट्रायंगल वाला, यानी कि जितना भी इसमें हमें ट्रायंगल दिखेगा इस पिक्चर में उन सभी में हमें क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। तो पहले ग्रीन कलर ले लेते हैं, उसके बाद इसी में भरते हैं। ये है ग्रीन कलर, जैसा उसमें दिया गया है उसी टाइप का। तो चलिए इसे भर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसे मैं भर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग ग्रीन कलर ऐसे भर लेना जैसे मैं भर रहा हूँ, इस तरीके से। तो अच्छी तरह आप लोग भर लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या करना है बस। तो इसमें मैंने बता दिया कि इस तरीके से इसे ग्रीन कलर इसे भरना है, भर दिया एक ट्रायंगल में। और देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसमें भी ऐसे भर लेना है ग्रीन कलर, जैसे बता रहा हूँ अच्छी तरीके से भर लेना आप लोग। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर भर लेना, इसमें भर लेना, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ऐसे सब में ग्रीन कलर भर लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है, यहाँ है, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। इस तरीके से जितने भी ट्रायंगल थे मैंने सब में कलर भर दिया है ग्रीन कलर। आप लोग भी इसी तरह से अच्छे से एकदम कलर भर लेना ग्रीन कलर। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है जो भी सर्कल होगा उसमें रेड कलर भरना है। तो यहाँ से पहले रेड कलर ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेड कलर भरेंगे। तो मैंने रेड कलर ले लिया है। अब चलिए सर्कल में भरते हैं रेड कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल है जिसके अंदर यहाँ पे रेड कलर भरना है, जैसे मैं भर रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग अच्छे से रेड कलर भर लेना है इसके अंदर। तो ये मैंने इसमें भर दिया, ये रेड कलर था। यहाँ पे ये सर्कल है, इसके अंदर रेड कलर भर देना है पूरे में। इसके बाद यहाँ पे सर्कल दिख रहा है आपको, इसमें रेड कलर भर देना है। इसके बाद यहाँ सब सर्कल ही सर्कल है, सब में रेड ऐसे भरना होगा। तो आप लोग ऐसे भर लेना। ये दूसरे फ्लावर में भर दिया रेड कलर, ये तीसरा जो है इसमें भर दिया। तो इस तरीके से सारे सर्कल में रेड कलर भर लेना है अच्छे से। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जितने भी होंगे उसके अंदर हमें ब्लू कलर भरना है। तो चलिए जहाँ जहाँ पे रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा होगा उन सब में ब्लू कलर भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं ब्लू कलर। तो मैं यहाँ से थोड़ा ब्लू कलर जैसा ले लिया, ब्लू कलर ही है, सेम टू सेम दिख रहा है। अब ये जो है ये रेक्टेंगल टाइप का है, तो इसमें हम ब्लू कलर भर लेते हैं इसे। तो आप लोग भी भर लेना अच्छे से। ये भी रेक्टेंगल टाइप का, इसके अंदर ब्लू कलर भरना है, इसके अंदर ब्लू कलर भरना है। ये पूरा रेक्टेंगल टाइप का है, पूरा घर का दीवार, इसमें ब्लू कलर भरना है। और ये जो है दरवाज़ा, ये भी रेक्टेंगल टाइप का ब्लू कलर भरना है। नीचे ये जो बना हुआ है गैलरी जैसा, ये भी इसमें ब्लू कलर, यहाँ पर ब्लू कलर, इसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल, इसके अंदर ब्लू कलर, ये पूरे डंडे में ब्लू कलर अच्छे से भरना ताकि बाहर ना आ जाए। उसके बाद हर पेड़ के नीचे यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसका डाल, यानी कि इसकी शाखाएं, ब्रांचेस, या फिर इसे ट्रंक भी कह सकते हैं, तना, तो इसके अंदर ब्लू कलर भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पेड़ों की जो डालियाँ हैं इसके अंदर यहाँ पे वैसे भरा हुआ येलो कलर हमें भरने की जरूरत है, पर जितने भी थे हमने उसमें भर लिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी भर लेना, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसमें भी लिखा है कलर ट्राइंगल ग्रीन। तो जो ट्राइंगल होगा उसमें हमें ग्रीन कलर भरना है, जो सर्कल होगा उसके अंदर हमें पिंक कलर भरना है, और जो रेक्टेंगल टाइप का होगा उसके अंदर हमें येलो कलर भरना है। तो चलिए हम ढूंढते जाते हैं और भरते जाते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले ट्राइंगल दिया है तो ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। कि मैंने ग्रीन कलर ले लिया, अब हम भरते हैं ग्रीन कलर। तो चलिए ट्राइंगल ढूंढते हैं और उसके अंदर भरते जाते हैं। अब देख सकते हैं पहला ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने ये ग्रीन कलर भर दिया। यहाँ पे ट्राइंगल है, इसके अंदर ग्रीन कलर भर देते हैं। ये भी ट्राइंगल है, इसके अंदर भर देते हैं। फिर ये ट्राइंगल में भर देते हैं, ये एक ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल। इसी तरीके से यहाँ पे जितना ये सब ट्राइंगल है, ये। तो मैं आपको सब समझा देता हूँ, आप लोग ये सब में अच्छी तरीके से भर लेना। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये जहाँ भर रहा है सब ट्राइंगल ही है। 3 साइड्स हैं, इसका मतलब कि ये ट्राइंगल है, इसने भर दिया। ये पूरा ट्राइंगल है, इतना ही, हाँ जितने भर रहा हूँ ये पूरा ट्राइंगल है। और इस साइड भी सेम ऐसा ही ट्राइंगल बना हुआ है। इसके अंदर भले गलती से इसमें आ गया, पर हमें यहाँ पे नहीं भरना है, सिर्फ हमें ट्राइंगल तक में ही भरना है। ये गलती से इस साइड आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे झंडे का ये जो कपड़ा है इसके अंदर भर देना है, ये भी ट्राइंगल है। और ये जो है ये भी ट्राइंगल ही है, तो इसके अंदर भी हमें भर देना है। ये एक ट्राइंगल है। तो हमने सारे ट्राइंगल में इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है ग्रीन कलर। तो आप लोग भी ऐसे ग्रीन कलर ट्राइंगल में भर लेना। अब ये जो सर्कल है ये पिंक कलर में है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं पिंक कलर, ये रहा। और सर्कल जहाँ जहाँ पे होगा सब में पिंक कलर भरना है। तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा, तीसरा, और ये पूरा जो है ये भी सर्कल है, तो इसके अंदर हमें भर लेना है पिंक। ध्यान रखना है कि ट्राइंगल में ना जाए, इसमें पिंक, ये। तो ये सर्कल भरते समय हमेशा ध्यान रखना कि ये ट्राइंगल वाले पार्ट में ना जाए, क्योंकि ट्राइंगल में तो ग्रीन कलर बोला है ना, इसमें पिंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा पिंक अच्छे तरीके से भर लेना है। तो सर्कल वाले में हो गया। अब और कहीं सर्कल दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि है ही नहीं। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड बोला है कि यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल आकार के होंगे उसमें येलो कलर भरना है। तो रेक्टेंगल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, येलो कलर पहले। येलो कलर मैंने ले लिया, और रेक्टेंगल यहाँ पे एक ही दिख रहा है जिसके अंदर हम यहाँ पे भर लेते हैं येलो कलर अच्छी तरीके से। आप लोग भी ऐसे इसके अंदर येलो कलर भर लेना, अच्छे से, बाहर ना जाए, पूरे तरीके से भर लेना। और एक यहाँ पे बीच में स्टैंड जैसा दिख रहा है जिसके अंदर हमें यहाँ पे येलो कलर ऐसे भरना होगा। ध्यान से अच्छे से भरना है जिससे बाहर कलर ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि सारा इस पिक्चर में भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट कर लेना है, जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेक सिमिलर फिगर्स। मेक सिमिलर फिगर्स मतलब कि जैसा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह एक चित्र और बनाना है हमें। यूजिंग द शेप किट। यूजिंग द शेप किट मतलब कि हमें यूज करना है शेप। शेप मीन्स अलग अलग आकार के हमें शेप यूज करने हैं। जैसे सर्कल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, पर हमें उसे यूज करके एक पिक्चर बनाना है सेम टू सेम जैसा यहाँ पे दिया है। गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। तो इस बुक के पीछे जो दिया हुआ है उसे यूज करके हमें पिक्चर बनाना है। तो बुक के पीछे जो दिया होगा, आप लोग देख लेना बुक के पीछे क्या दिया है, इसी टाइप का ऐसे दिया होगा, और इसे देख के आप लोग ये शेप बना लेना, जिससे आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है सेम ऐसे, जैसे यहाँ पे भरा हुआ है, तो ऐसे ही देख देख के आप लोगों को सेम ऐसे कटिंग करके, अगर बुक के पीछे दिया होगा रेडीमेड तो उसे देख के बनाना है, और अगर नहीं दिया होगा तो उसे कटिंग करके बनाना है। पर इस तरीके से आप लोग ड्रॉइंग आसानी से बना सकते हो किसी भी चीज़ से, कोई भी कागज़ भी कटिंग करके बना सकते हो इस शेप का, या फिर अगर स्टिकर होगा तो स्टिकर से बना सकते हो। कई तरीके ऐसे बनाने के, तो आप लोग इसे बना लेना। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 1, जो कि मैंने पूरी तरह सब कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरी तरह आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 और उसे मैं एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो जो है वो तुरंत मिल पाए और आप लोग उसे देख पाए, ताकि कुछ नया सीख पाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि जो दूसरों के बच्चे हैं वो भी सीख सके कुछ नया और उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।